कितने का है? 200। चप्पल कितने का भैया? नाली देखो, नाली कैसा लग रहा है? छोटे को बात की दुकान हाथ में, दुकान आने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माई ऑल यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है हमारा वो है बेगमपुर मार्केट ब्लॉग, जो कि बहुत ही चिपेस्ट प्राइस में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल सकती है। और आप यहाँ जब भी आओ तो बेगमपुर जाओगे तो आपको बहुत ही सस्ते सस्ते प्राइस में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कम प्राइस में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। गाइज आप देख सकते हो कि हम बेगमपुर मार्केट पहुंच चुके हैं, इसे हम लाल कुर्ती मार्केट भी कहते हैं। तो यहाँ से जो हमें फर्स्ट चीज़ें जो दिखी थी हमें वो थी इयररिंग्स। आपको पता है इयररिंग्स लड़कियों को बहुत पसंद है, तो इयररिंग्स जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो इयररिंग्स है उसकी प्राइस की बात करें तो 100 की कोई भी इयररिंग्स आप ले सकते हो। 100 की जो है 100 रुपीज़ इसकी प्राइस थी एक इयररिंग्स की, तो बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स थी। और ये पार्टी वेयर इयररिंग्स थी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। सेकेंड जो है हमें देखा वो था सूस, जो है सूस की शॉप जहाँ पे आप ये है हमारा, आप यहाँ से बाई कर सकते हो 100 रुपीज़ में। स्टार्टिंग की प्राइस है यहाँ 100 रुपीज़ से स्लीपर्स की या वेली की बात करें तो, और आपको 200-150 के रेंज में इजली यहाँ से चीपेस्ट प्राइस में आपको वेली वगैरह मिल जाएगी। तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। तुम्हें भी लेना है ब्राउन वेली? लाल कुर्ती के मार्केट जो थी उसके अंदर आ गए थे, तो आप देख सकते हो वेडिंग ड्रेसेस ला रखा था उन्होंने, बहुत ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लहंगे थे। और आप यहाँ से अगर वेडिंग का सीज़न है किस तो आप यहाँ से ले सकते हो लहंगा वगैरह। और ये था हमारा बैक पैक्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से बैक पैक ले सकते हो, स्लिंग बैग चाहिए तो वो भी ले सकते हो, शोल्डर बैग चाहिए तो वो भी आप यहाँ से बाई कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो 100 से लेके 500 के रेंज में आपको यहाँ से बैग मिल जाएगी। अगर क्लच वगैरह चाहिए पार्टी वेयर के लिए तो आप वो भी यहाँ से बाय कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह से बैग थी यहाँ पे।
ये सबसे बेस्ट चीज थी वो थी इमली, जो सबको पसंद है, और ये है अमरस कहते हैं हम तो, बट यहाँ पे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये बहुत सी अजीब अजीब सी चीज़ें थी खाने की, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या क्या है ये। इसे तो अमरस कहते हैं, और ये जो आप पैकेट में देख रहे हो शायद इसे बेर कहते हैं, और ये इसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, आप बताना कमेंट करके कि इसे क्या कहते हैं। तो गाइज हमें लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह और हॉस्टल के लिए कुछ कुछ जो बर्तन थी हमें चाहिए थी, तो हम एक शॉप पे गए थे, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस तो काफ़ी कम थी, चिपेस्ट प्राइस था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे प्राइस के वाइज तो सही था, बट हमें चीज़ें जो थी पसंद नहीं है। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बच्चों की खेलने की चीज़ें, ये काफ़ी प्यारा है ये। तो चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें लिया था हमने मार्केट से। तो हम दूसरे शॉप पे आ गए थे, वहाँ हमें चाहिए था इंडक्शन के लिए बर्तन। तो इन्हों ये जो है ये दिखा रहे थे हमें इंडक्शन के लिए बर्तन, लेकिन इनकी प्राइस काफ़ी हाई रेंज में उन्होंने बताया था, 600-700 की ये जो है। जब हम आ गए थे स्वेटर की शॉप पे, तो हमें स्वेटर वगैरह लेनी थी क्योंकि ठंड बढ़ गई है, तो ठंड के लिए हमें स्वेटर वगैरह चाहिए थी, जैकेट्स वगैरह। तो हम आ गए थे दूसरे शॉप पे, तो यहाँ पे ये भैया जो है 150 के रेंज में आपको कोई भी आप यहाँ से ऐसा जो है जैकेट्स वगैरह ले सकते हो। और दूसरी चीज़ें तो थी हमारी थी, दूसरी दुकान पे आ गए थे, वो था हमारा बेली का। देखो कितने यहाँ की जो बेली की प्राइसेस की बात करें, तो यहाँ पे फिक्स प्राइस रहती है, आप कोई भी यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फिक्स प्राइस के अगर आपको 100 का है तो वो 100 में ही देंगे। तो ये भी काफ़ी देख सकते हो बहुत ही फेमस है ये यहाँ का। जो भी बेली वगैरह लोगे आप, स्लीपर्स वगैरह लोगे, सैंडल वगैरह लोगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो, और यहाँ पे नो बार्गेनिंग का शॉप था वो। तो ये था हमारा, अब हम जा रहे थे दूसरे शॉप। आप देख सकते हो ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि इसे हम आम पापड़ वगैरह, खट्टी मीठी गोलियां, और टॉफ़ी वगैरह है, और छुपा चुप वगैरह, और इमली की गोली वगैरह जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत खट्टी मीठी गोलियां भी थी यहाँ पे, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। आप बताना आपको कैसा लगता है ये टेस्ट वाइज। तो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं, हम स्वेटर के कलेक्शन में चले गए थे। हम यहाँ पे बहुत सारी स्वेटर, जैकेट, ट्रक्स वगैरह जो है, और स्कर्ट वगैरह की कलेक्शन था, काफ़ी चिपेस्ट प्राइस में नहीं था यहाँ पे गाइज, यहाँ पे हाई रेंज में रख रखा था इन्होंने। आपको 150 से लेके 500-600 के रेंज में आपको यहाँ से स्वेटर्स, जैकेट अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, कार्डिगन वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। तो इसी के जस्ट गाइज हम पहुंच चुके थे इयररिंग्स के शॉप पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इयररिंग्स की बहुत सारा कलेक्शन था। यहाँ पे आपको एथनिक वेयर मिल सकता है, पार्टी वेयर मिल सकता है, और आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे नेकलेस, चोकर और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह चाहिए आपको, अगर एंकलेट्स वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ से ईजिली आप यहाँ से ले सकते हो, खरीद सकते हो। और प्राइस की बात करें तो 50 से लेके 500 के रेंज में, 600 के रेंज में, आपको इससे हाईएस्ट रेंज में भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। नेकलेस वगैरह चाहिए तो, चोकर वगैरह चाहिए तो, इयररिंग्स काफ़ी प्रिटी प्रिटी इयररिंग्स थी इनके यहाँ। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे शॉप पे। गाइज अब हम आ चुके थे, डेकोरेशन की कुछ चीज़ें लेनी थी तो डेकोरेशन की शॉप पे आ चुके थे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स देख सकते हो आप, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। तो ये हमें लेना था, लिफ्ट चाहिए था हमें, जो हमें अपने रूम में लगाना था, और हमें चाहिए था टेबल पे लगाने वाला एक कुछ
आइटम्स जो होती है डेकोरेशन की, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी गाइस। तो यहाँ पे हमें कुछ उतना खास दिखा नहीं, तो हम चले गए थे दूसरे शॉप पे। गाइस हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम वी आर गोइंग बैक टू हॉस्टल। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो लाइक को कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।